नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश में कोरोना के मामले अब तेजी से कम हो रहे हैं। रोजाना सामने आने वाले केसों में कमी दर्ज की गई है, जो राहत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,224 नए केस दर्ज हुए। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 48,090 केसों की कमी आई है। अब यह आंकड़ा 8,65,432 पर आ गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,542 लोगों की मौत हुई है और इस दौरान 1,07,628 संक्रमित ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 2,96,33,105 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,83,88,100 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक 3,79,573 लोगों की जान इस वायरस की वजह से गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां 7,652 लोग संक्रमित पाए गए, 15,176 लोग ठीक हुए हैं और 1,458 लोगों की मौत हो गई है। यहां अब तक 59.24 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 56.69 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.14 लाख लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 1.38 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 228 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 364 लोग ठीक हुए हैं और 12 की मौत हुई है। अब तक 14.31 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 14.03 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 24,851 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहां 3,078 मरीजों का इलाज चल रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 270 नए केस सामने आए, 1,104 लोग ठीक हुए और 56 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 17.03 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 16.74 लाख ठीक भी हुए हैं, जबकि 21,914 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यहां 7,221 मरीजों का इलाज चल रहा है। जब महाराष्ट्र, यूपी जैसे देश के बड़े राज्यों में कोरोना के नए केसों में कमी आ रही है, तो ऐसे में छोटे से राज्य अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 366 नए मामले सामने आए। इससे यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,648 हो गई। पिछले दो दिनों में संक्रमण से एक महिला समेत 6 लोगों की मौत होने से मृतक की संख्या यहां पर 151 पहुंच गई है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। दुनिया में अब तक 17.70 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 38.27 लाख लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16.12 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1.26 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1.19 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और 84,628 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।